नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है। फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश में कोई नहीं उसको भुला सकता। उस हिंसा में पूरा प्रदेश जल उठा था, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी थी और मनोहर सरकार पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब चुनावी आहट के चलते हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार केस वापस लेने की तैयारी में नजर आ रही है। तो अब सरकार आने वाले वक्त में कुछ फायदे देने वाली है। जी हां, चुनाव पास है तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार जाट वोट बैंक को अपनी तरफ जुटाने में जुटी हुई है। जाट वोटों को देखते हुए आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले में अब वापस जो केस है वो लेने की कोशिश में सरकार नजर आ रही है। इसी पे देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की मनोहर सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आती नजर आ रही है। इस बार वजह है जाट आरक्षण आंदोलन, जिसकी आग में फरवरी 2016 को पूरा प्रदेश जल गया था और सरकार सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई थी। उसी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन अब उन्हीं मुकदमों को सरकार वापस लेने का मन बना चुकी है, जिसे लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार से जो जिलों में गए हैं 398 केसेस की विड्रॉल की सिफारिश गई है। यहाँ से 2/6/2017 तक हमने 137 केस भेजे थे और 5/2/2018 को 2/6/2017 और 5/2/2018 के बीच में ये 81 केसेस गए और उसके बाद 180 केसेस गए हैं। ये कुल मिलाकर के 398 केसेस बनते हैं। तीन बारी में कुल 398 मुकदमे वापस लेने की है तैयारी। पहली बार में 137 मुकदमे होंगे वापस, दूसरे और तीसरे बारी में 91 और 180 केस वापस लेने की है तैयारी। केसों को लेकर सभी जिला उपायुक्तों को भेजी गई सूची। केस वापस लेने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज होते हैं वो सीएम गृह विभाग से केस वापस लेने की सिफारिश करते हैं। गृह विभाग उसे जांच के लिए जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और जिला न्यायवादी के पास भेजता है। सिफारिश मिलने पर उसे एलआर विभाग और सरकार के महाअधिवक्ता कार्यालय में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लगता है। जाट समुदाय लगातार सरकार पर केस वापस लेने को लेकर दबाव बना रहे थे। सीएम ने भी जाट समुदाय के लोगों को केस वापस लेने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद अमित शाह की रैली का विरोध नहीं किया गया। ऐसे में सरकार के इस कदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं और क्या 2019 के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल अब उठने लगे हैं, सवाल इस बात को लेकर कि आखिरकार ये वो सरकार है जो कहती थी जिसने भी प्रदेश में हिंसा फैलाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार बैकफुट पे है, या फिर सरकार पे किसी तरह का कोई दबाव है, या वो फैसले जो लिए गए थे वो जल्दबाजी में लिए गए थे जिसका असर अब दिखने लगा है। तमाम सवालों के आज हम जवाब जानेंगे इस खास कार्यक्रम के जरिए। खास मेहमान हमारे साथ अशोक मलिक, जाट नेता जी आ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अशोक मलिक जी, पहला सवाल ये, क्या जो सरकार ने ये फैसला लिया है, जो सरकार की मंशा है, किस तरह से आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है सरकार की सही मंशा है और सरकार चाहती है कि जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिया जाए, सही डिसीजन है ये? देखिए, सरकार की मंशा, सरकार कोई भी हो अपना फायदा देखती है और ये सरकार भी, ये जो 300 केस जो वापिस लेने का जो पेपर में के माध्यम से हमने जो पता चला है, ये तो काफी 1-1.5 साल पहले ये बात हो गई थी कि भाई हम जो ये केस है इनको वापिस ले लेंगे,
लेकिन सरकार ने नहीं लिया और अब आ गए ये जो है अपना, इन्होंने जो है कहा कि हम केस वापस ले रहे हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि सरकार फायदा देखती है, तो इसमें क्या लाभ? सरकार फायदा ये है, अब चुनाव नजदीक है, 2019 का चुनाव है, चलो अच्छी बात है। अगर सरकार अब भी केस वापस, 300 केस की क्यों, जितने भी इसके जो आरक्षण के दौरान केस हुए थे सारे ही वापस लेने चाहिए। सरकार को ये पावर वो ले सकती है और जनहित को देखते हुए, हम ये नहीं कहते हुए जाट जाटो के जो 36 बिरादरी के जिन भाइयों पर केस है, जो भी आंदोलन के दौरान जिसके ऊपर भी केस, वो सारे ही मुकदमे वापिस होने चाहिए। इन 300 से क्या, ये तो पहले ही सरकार के प्रोसेस में 1-1.5 साल पहले ही, ये तो वैसे ये दिखावा आज का दब गए, हम ये कर रहे हैं, दिखावा मान रहे हैं अशोक भाई, ये तो दिखा, ये है ना जी, जितने आंदोलन के दौरान केस हुए हैं वो सारे ही वापिस होने चाहिए। मतलब अभी आपकी मांग और भी ज्यादा है कि सरकार, मांग पूरी कहां की है सरकार ने, ये 300 जो केस है, हम 31 अगस्त को मुख्यमंत्री, 29 अगस्त को विधानसभा जो पास किया, आरक्षण जो देने का काम किया था विधान पालिका में अपना जो है उसमें पास किया था, और जाट पूरे जाट समाज ने स्वागत किया था, हमने भी खुद जाट संघर्ष समिति तरफ से चौधरी राम कटारिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम हमने गदा से स्वागत किया था मुख्यमंत्री का, गदा देके आपने हमारे जो है समाज का जो है ये देने का काम किया था हमने। लेकिन उसी दिन ये भी बात हुई थी, जितने भी मामले हैं, जो भी केस है अंटरेस्ट जो मामले, हम सबको वापिस ले लेंगे, कुछ 302 के केस को छोड़ के, जो इंडिविजुअल केस है सिर्फ वही केस है, हमारे सीएम साहब ने कहा था वो मेरे बस की बात, वो आप लोग आपस में छुड़ा लेना एक दूसरा बैठ के, लेकिन जो सरकार के मामले हैं हम वो वापिस ले, लेकिन कुछ नहीं किया सरकार ने, सरकार की मंशा कैसी है और आखिरकार जब ये डिसीजन पहले ही ले लिया गया था तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए, यानी कि साल 2019 के चुनावों को देखते हुए, फिर से वोट बैंक की राजनीति खेलने के लिए सरकार तैयार है? शुभ जी क्या लगता है, जैसे आपने जिक्र भी किया चुनाव करीब है, अब इससे पहले तो लंबे वक्त तक इस मसले को लेकर सरकार टालमटोल करती रही, कभी कह रही थी कि हाँ ठीक है वापस लिए जाएंगे, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब आनन फानन में इस तरह के डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए, वोट बैंक के लिए? देखो चुनावी फायदा तो हर राजनेता अपना देखता है, उन्होंने चुनावी फायदा तो देखना है, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, एक्सवाइजेड, कोई भी पार्टी हो, हर आदमी अपना फायदा देखता है। जी तो मैं पहले बता रहा था कि कुछ तो केस ऐसे, जैसे हमारा बहादुरगढ़ कस्बा है, इसमें किसी की हवा भी नहीं निकालेगी साइकिल की, हमारे पप्पू दलाल दीजिए उनके नेतृत्व तो बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से वहां आंदोलन चलेगा, किसी को कुछ नहीं, और उन पे पप्पू दलाल और उसके जो 8-10 साथियों पे उन पे मुकदमा बना रखा है। तो इस तरह के जो मुकदमे थे वो तो सरकार ने 1.5 साल पहले कह दिया, लेकिन अब ये घोषणा करी है कि भाई हम इनको वापिस ले रहे, ये ले रहे, ये क्या दिखावा कर रहे सरकार, ये पता नहीं, लेने हैं तो सारे ही ले, इसमें 300 का क्या मतलब आ गया? ठीक है, एक और जाट नेता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, भगत सिंह जी जुड़े हैं। भगत सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? भगत सिंह जी आवाज मिल पा रही है क्या आपको मेरी? हाँ जी नमस्कार। भगत सिंह जी, सरकार अब जो केसेस हैं वापस लेने की तैयारी में है, इस बात को फिर से सरकार ने कहा है, क्या आप संतुष्ट हैं सरकार किस मंशा से, क्या लग रहा है आपको, सरकार वाकई में अब आप लोगों की सुन रही है? देखिए सरकार को ये केस तो वापस लेने, पहली बात तो दर्ज ही नहीं करने चाहिए थे क्योंकि सारे झूठे मुकदमे हैं, अगर ये दर्ज कर भी लिए तो ये तो वैसे ही कोर्ट में नहीं टिकते जाके, तो हमारी तो यही असली मांग तो हमारी आरक्षण की है, सरकार से जो लड़ाई है वो आरक्षण के लिए है। कोर्ट अगर सरकार केस वापस लेती है तो ये कोई बड़ा काम नहीं करती है, क्योंकि ये तो झूठे मुकदमे थे तो वापस हो नहीं थे और ये कोर्ट में टिकने ही नहीं थे, तो सरकार का ये तो एक तरीके से जो है, चलो ठीक है अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो है हरासमेंट बच जाएगी जाटों की, जाटों के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से हमारा बचाव हो जाएगा, सिर्फ इतना इसका फर्क है, बाकी इसमें कोई ज्यादा हमें नहीं लगता कि इसमें कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, मतलब ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, ये सिर्फ सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके पीछे की मंशा कुछ और ही है। फोन लाइन पर रोशन लाल आर्य जी, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन लाल आर्य जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी। रोशन लाल आर्य जी, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? 398 मुकदमे वापस लेने की तैयारी में है सरकार, 3 बारी में ऐसा जो कदम है सरकार उठाने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार किसी के दबाव में ये कर रही है या वाकई में सरकार की मंशा भी सही है? नहीं, सरकार पूरी तरह से दबाव में काम कर रही है और इसको यदि मुकदमे वापस लेने हों तो न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसको तो किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को बिठाया जाए, उनके सामने सारी फाइलें लाई जाएं, इसको
कानून को सिर्फ फैसला ही नहीं करना होता, न्याय दिखना भी चाहिए लोगों को। और ये कोई तरीका नहीं है कि पहले सरकार के संविधान को ना मानना, कानून को ना मानना और अपनी मनमानी करनी, जब मुकदमे दर्ज हो जाए फिर वापस करवा देने और फिर दोबारा फिर हमला कर देना, गलत काम है ये। ठीक है रोशन लाल जी, आपसे गलत कोई हरियाणा में है आदमी? आप इस तरह की बात कर रहे हो, विधायक होते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो रोटी कुत्ते को और कौवे खिलाऊंगा जाट का नाश के, आपके ये शोभा देती थी बातें? आप नहीं, आप ये देखो जिम्मेदार आदमी है कोई भी। आर्य जी देखो, आर्य जी एक मिनट सुनो, आप विधायक हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, पिछली सरकारों ने मुकदमे वापस नहीं लिए क्या? जिन पे भी जो जन दो मुकदमे होते वापस नहीं लिए क्या? है मेरी सरकार आएगी अगली और उसमें सुनिए सुनिए, देखिए देखिए यहाँ पर इस तरह की बातें आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने शब्दों को आप अपने शब्दों को आप सोच समझ कर बोलिए। आपका लड़ाई झगड़ा ये नहीं है सिर्फ सवाल रोशनलाल आर्य जी, और आपसे भी मैं यही बार बार अपील कर रही हूँ, आप अपने शब्दों को चयनित करके बोलिए अन्यथा आपसे बात नहीं हो पाएगी। मेरा सीधा सा सवाल ये था, आपने कहा कि ठीक है ये सिटिंग जज से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आपको क्या लग रहा है अब अगर सरकार ऐसा कदम उठा रही है तो क्या महज वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है? सरकार सरेंडर कर रही है, सरकार ने शुरू से इस हैंडल नहीं ठीक तरीके से किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कानून व्यवस्था भंग हो गई, मुरथल में रेप कांड हुआ, अनेकों एटीएम फाड़े गए, आदमी मारे गए, चलाने का षड्यंत्र है। मुरथल वाला विधायक जी आपने किया, वो तो कोर्ट केस है, निर्णय है मुकदमे तो हाई कोर्ट को बीच में रखें, और सरकार को अधिकार है वैसे कानूनी तरीके से मुकदमा वापस लेने का, लेकिन कानून को कानून के तरीके से काम करना चाहिए, कानून को कहीं हाईजैक नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में किसी एक वर्ग को यह ताकत नहीं है कि संविधान को लांग दे। ये कहते हम सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानते, एक रहमान तो आरक्षण लेके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, ये क्या तरीका है? विधायक जी हम एक वर्ग के ये नहीं करे, सभी के केस वापिस होने चाहिए, 36 बिरादरी के भाइयों जो आरक्षण के दौरान बने हैं, हम एक वर्ग का नहीं करे, हम चाहते हैं सभी के मुकदमे वापस हो। आप ये कहो कि जिन्होंने अपराध किया उनके वापस नहीं होंगे, जिनका राजनीति है उनके वापस हो, कोई मार्ग तो करना पड़ेगा ना आपको, बीच में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। वो आपकी बात, जिसने अपराध किया मान ली, अपराध किया है जिसने, वो तो ये प्रकाश की रिपोर्ट थी, झा आयोग की रिपोर्ट चल रही, जो सामने आएंगे जिन्होंने अपराध किया है वो तो बाद की बात है भाई, अपराध वाले भी तो सामने सरकार ही लाएगी वो अपनी जांच पड़ताल करके। अब सरकार को लाना चाहिए, कितना टाइम होगा कितना टाइम होगा सरकार क्या कर रही थी अब तक? सरकार तो गोलगप्पे खा रही बैठी हुई। हाँ बस भी तो सरकार, हम तो ये कह रहे ये जो देखो इस तरह के जो दंगे, चाहे शुगर मिल उलाना में हुआ था, पिछली सरकार ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में मुकदमे बने थे, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई उसने वापिस लिए थे इसी तरह के मुकदमे थे। देखो ये तो होता आंदोलनों में मुकदमे बढ़ते रहते हैं, बढ़ जाते हैं मुकदमे, जनभावना बढ़ जाती है तो मुकदमे वापस होने चाहिए, हमारा साथ के साथ आरक्षण की मांग है। ठीक है ठीक है, जवाहर यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, नेता बीजेपी। जवाहर यादव जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जवाहर यादव जी, जो फैसला लिया गया है तीन बारी में कुल 398 मुकदमे वापस लेने की तैयारी में जो इस वक्त सरकार नजर आ रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को अब काफी पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि कहीं ना कहीं हाईजैक हो रही है सरकार, प्रेशर में आके दबाव में आके ये सब किया जा रहा है। अब ये फैसला लेने की मुख्य वजह सबसे पहले आपसे जानना चाहें, क्योंकि मांग लंबे समय से थी और 1.5 साल पहले भी सरकार ने इसको लेकर हामी भरी थी। नहीं, विपक्ष ने किसने कहा कि ये मुकदमे वापस लेने से सरकार दबाव रही है या सरकार किसी के दबाव में आ रही है? एक तो ये जो मुकदमे लेने का इश्यू है ये इसका नाम जाट आरक्षण है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये मुकदमे केवल जो जाटों के खिलाफ थे वो वापस लिए जा रहे हैं। उस परिस्थितियों में जिनके खिलाफ भी मुकदमे जो लिए जा सकते हैं, जो व्यक्तिगत नहीं है, जो सीबीआई के अधीन नहीं है, उन मुकदमों को सरकार वापस लेती है। वो लगातार आदेशों को समय पर ऐसे मुकदमे लिए गए हैं जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे मुकदमे या जिसमें कोई बहुत बड़ी जान मान हानि की नुकसान ना हुआ हो, ऐसे इंडिविजुअल केस वो वापस लिए गए हैं, परंतु जो सीबीआई से संबंधित है वो मुकदमे हरियाणा सरकार वापस नहीं ले सकती, वो इंडिविजुअल विषय है, वो वहां का है, तो ऐसे मुकदमे लेते रहे। पर अभी मैं सुन रहा था किसी को हुड्डा साहब के समय के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, अनेकों मुकदमे, चाहे वो 2010 का आंदोलन हो, चाहे 2013 का आंदोलन हो, उस समय के मुकदमे भी चल रहे हैं, तो जो सरकार मुकदमे वापस ले सकती है वो ले लेती है, जो नहीं ले पाती वो मुकदमे चलते हैं। परंतु अभी ये सब यादव जी मैं ये कह रहा था, जो प्रकाश चौटाला जी के टाइम में हमारा एक शुगर मिल लगा था उलाना में, गोहाना में,
और आवलाना गांव में कुछ बहुत ज्यादा मुकदमे बन गए थे, वो नौकरी के जो लोगों ने दिया था उस माध्यम से नौकरी नहीं लगी, वो आंदोलन हो गया था तो वो मुकदमे बन गए थे, लेकिन वो मुकदमे अगली सरकार ने वापिस ले लिए। भाई अब मुकदमे पिछली सरकार में जो बने हैं आप ठीक करें, उड़ा सरकार के मुकदमे अब तक चल रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो मुकदमे वापिस ले रही है, शायद आप हमने 29 से 31 अगस्त को सीएम हाउस पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई जितने भी जो मुकदमे जो है ना सरकार बना मुकदमे हैं, हम 36 बराबर किसी भी भाई पे हमने इंडिविजुअल जाति के किसी के नहीं, वो सारे हम वापिस लेंगे, तो वो अब तक वापिस नहीं हुए। सरकार इसमें लेट है, लेट कर रही है, बहुत ही ज्यादा लेट है, क्योंकि अब तक काफी जो मुकदमे जो कोर्ट में भी चले गए कोर्ट के, लेकिन सरकार को तो पावर है, ले सकती है सरकार, और जो सरकार लेती है उसका धन्यवाद भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए लीगली देखिए किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए जहाँ वैधानिक चीजें भी होती है एक समय लगता है, उन कागजों को पूरा करने में, उन कानूनी प्रक्रिया को समझने में, उसको पूरा करने में, जिससे कि अगर आप आज वापस ले लें जल्दबाजी में और कल को उनके ऊपर कोई परसेंसी ना लगे, तो लीगल चीजें तो तरीके से होती है। हमने ये कमिटमेंट की थी, चाहे वो जाट हो चाहे नॉन जाट हो, मुझे तो ये शब्द बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है कि हम इसको रूप में क्यों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सर्व समाज के व्यक्ति का जिसको इस हिंसा में जिनके खिलाफ मुकदमे लगे वो मुकदमे वापिस लिए जाए, तो एक तो ये मैसेज भी गलत जा रहा है कि ये व्यक्ति केवल जाति विशेष के मुकदमे वापिस लिए है या केवल जाति विशेष। एक प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ रोशन लाल आर्य जी भी जुड़े हुए थे। रोशन लाल जी हैं आप जी? रोशनल आर्य जी, आपने सुना जवाहर यादव जी को, जो कुछ भी उन्होंने कहा कि जो पॉसिबल है सरकार वो कर रही है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप कह रहे थे सरकार दबाव में आकर कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं देखिए, सरकार का सबसे पहला रोल होता है कि लोकतंत्र के वातावरण को बहाल रखना, तो वो डेमोक्रेसी में फेथ लोगों का उठ गया है, जिस तरीके से इनको मौका मिला था, जिस तरीके से इनको यहाँ पे सत्ता मिली थी, पिछले 5 लगातार मुख्यमंत्री जाट रहे थे, तो पहला नॉन जाट मनोहर लाल जी को बनाया लोगों ने, ये सोच के सबसे पहले सीएम नॉन जाट ही थे, ये मौका मिलते ही इन पे टहनी नहीं हुई कि मनोहर लाल क्यों बन गए, ये शुरू से इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है, इसको वापस भेज देंगे और हम ये मुख्यमंत्री की सीट रिजर्व है जाट के लिए, ये बीमारी चली। तो अब ये हुआ कि ये दबाव में आ गए, अब मनोहर लाल जी राजनीतिक आदमी तो थे नहीं कभी सरपंच, ठीक है, दबाव में आकर आप कह रहे हैं कि ये लिया गया। अब बने रहिएगा हमारे साथ, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मसले को लेकर आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब सरकार अब इस फैसले को लेने की तैयारी में है तो आखिरकार फिर क्यों वाद विवाद हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस खास पेशकश में, जहां पर सवाल तमाम उठ रहे हैं, क्या जो प्रदेश में हिंसा हुई थी अब सरकार मान चुकी है कि वो हिंसा आखिरकार इन लोगों ने नहीं की थी, या फिर सरकार की मंशा इसके पीछे कोई और है और वोट बैंक की तरह इस मसले को भी देखा जा रहा है। अशोक मलिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि शायद 2019 के जो चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए फैसला लिया गया, लेकिन उस समय जो भी कुछ प्रदेश में हुआ था, तो क्या मान लिया जाए जो भी हिंसा हुई थी प्रदेश में, जो भी आपराधिक घटनाएं हुई थी, उसकी जिम्मेदार ये सब नहीं है, सरकार तमाम केस वापस ले ले? देखिए पहले भी ये जो अब आपने देखा हुआ 2 तारीख का बंद का आह्वान था, पूरे देश में बंद था, कितनी हिंसा और आगजनी हुई शहरों में जो भी है। हमारा जो आंदोलन था, हमारा आंदोलन जो है चारों तरफ, शहरों में तो आंदोलन था ही नहीं हमारा, हम तो गांव में रोड पे हमारे वो बैठे थे, वहां किसी कोई नुकसान हुआ हो, किसी कोई नुकसान हुआ, जो कुछ है सामाजिक, तो जो शहरी थे वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन आपने भी लिख रखा जाटों को रात, ये जाटों को रात नहीं, केस किसी पे भी हो सकता है, उसमें सबको जो 396 केस में अकेले जाट नहीं, उसमें और भी होंगे अलग अलग वो सबके, लेकिन आरक्षण जाट आरक्षण नाम ले दिया, वो आपने भी जाटों को रात लिख दी। तो हम तो चाहते हैं कि उस आरक्षण के दौरान जितना भी जिस पे भी हुआ था, जो भी सारा सरकार ने, देखो जिसकी दुकानें जली सरकार ने भरपाई कर दी, ठीक है, और भी सारा मामला। एक मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगी, फोन लाइन पर पूर्व आईजी रणबीर शर्मा जी हमारे साथ है। रणबीर शर्मा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ मैम, सुन पा जी। रणबीर शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये कि अब जो सरकार इस कोशिश में जुटी है कि जो तमाम केसेस पहले दर्ज किए गए थे जाट हिंसा के दौरान उनको वापस लिया जाए, क्या इस तरह की चीजें और आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा तो नहीं देती, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तमाम हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं, केस भी दर्ज हो जाते हैं, फिर सरकार किसी दबाव में आके उनको वापस ले लेती है,
क्या समाज में इस तरह से कोई संदेश जाता है? मैम, इसमें मैं दो तीन चीजें बात कहनी चाहूंगा कि एक तो हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, इसमें इन्होंने हमें फूट डाल के जो राज करने का सिस्टम बना रखा है, मैं इसके बहुत ज्यादा विरोध में हूँ। ये लोग जी बोलिए, अपने वोट बैंक के चक्कर में हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की फूट डालते हैं। वो चाहे कोई भी उसका बहाना ले लें, चाहे वो आरक्षण का ले लें, चाहे वो SC ST का ले लें, चाहे वो राम रहीम का ले लें, ऐसा सिस्टम बना देते हैं इसमें। और जो अपराधी तत्व है उसका हौसला बढ़ता है जी, कि यार हमारे लोग हैं, हमारे साथ हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और आम जो जनता है, समय की कमी है, वो पिसती है। रणबीर जी, राजकुमार सैनी जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, बीजेपी सांसद। राजकुमार सैनी जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार जी। राजकुमार सैनी जी, आप ही की सरकार फैसला ले रही है कि अब तमाम जो केसेस हैं, तकरीबन 398 केसेस वापस लेने की तैयारी में है सरकार, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मैम, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि पूरा देश कानून से विश्वास लोगों का उठ जाएगा और व्यवस्था ऐसी आ जाएगी कि कल को लोग गाली गलौज, छेड़खानी, छोटी मोटी मारपीट को लेकर के कहेंगे जब 302 के केस वापस लिए जा सकते हैं, आगजनी के केस लिए जा सकते हैं, देशद्रोह के केस वापस लिए जा सकते हैं, तो देन मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, मेरा तो छोटा मोटा कसूर है। मैंने तो कुछ ऐसे आफत भी प्रदेश के अंदर खड़ी नहीं की जिससे लोगों को, बाकी के लोगों को कोई टॉर्चर हुआ हो। तो ऐसी व्यवस्था में देश के अंदर ये आ जाएगा कि सरकार कोई भी हो, और अगर किसी का संगठन बड़ा है और संगठित लोग कानून मानने से इनकार कर जाएंगे और वो सड़क के ऊपर बैठ करके अपने फैसले ले लेंगे, फिर कानून को वजह क्या लग रही है? अगर सरकार केस वापस ले रही है तो उसके पीछे वजह क्या लग रही है? ये दबाव है, आगजनी करवाने वाले ही सैनी साहब है। ये सैनी साहब सारे मामले का दोषी अगर है तो आप है सर, हरियाणा को जलवाने वाले। एक मिनट सर, राजकुमार सैनी जी, सीधा सा सवाल है मेरा आपसे, क्या सरकार दबाव में ये स्टेप ले रही है, वजह क्या लग रहा है आपको? हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर दबाव में किसी के प्रेशर में आकर के हम किन्हीं केसों को इस प्रकार से वापस लेने लगेंगे तो भविष्य में कानून का तो पालना करने वाला कोई लोग ही नहीं रहेंगे, वो तो कानून तो सिर्फ मच्छरदानी बन के रह जाएगा। कमजोर तबके के लिए कानून रहेगा, संगठित लोगों के लिए कानून रहेगा ही नहीं। आप कौन से तबके में आते हैं सांसद साहब? आप कौन से तबके में आते हैं, अपने को बताओ। जान भी लेंगे और केस भी वापस करा लेंगे। नहीं, आप कौन से तबके में आते हो आप तो बताओ। पूरे हरियाणा को जलवाने का आपने काम किया है, आप पे तो फांसी दे देनी चाहिए जब तक आपको दूं। जुबान थोड़ी संभाल के जबान जुबान देखिए 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 इस तरह के मंच पर इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अशोक मलिक जी, ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। हम डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह के शब्दों का प्लीज आप इस्तेमाल ना कीजिए। मैं आपसे बार बार इस बात की अपील कर चुकी हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार सैनी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। रणबीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक जी आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार अब इस मसले पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या वाकई में सरकार तमाम जो केसेस है उनको वापस लेगी, किस तरह से लेगी, आने वाली प्रक्रिया में जरूर देखना होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।